हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आज के ताजा मौसम समाचार में। मौसम को लेकर अभी अभी एक फिर बड़ी खबर निकल कर आ रही कि बारिश और शीतलहर से बढ़ेगी और ठंड, कई सालों का टूटेगा रिकॉर्ड। यूपी में IMD ने बारिश और कोहरे का जारी किया डबल अलर्ट। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के वो कौन कौन से जिले हैं जिनमें मौसम विभाग ने अब फिर बारिश और कोहरे को लेकर डबल अलर्ट जारी कर दिया है। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, एंड तक देखें। और चैनल पर हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ने वाली है। मौसम विभाग के लिए अगले 4-5 दिनों तक डबल अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 2-3 दिन लगातार होने वाली बारिश सर्दी में इजाफा करेगी। इसके साथ ही हाड़ कपा देने वाली ठंड में मौसम वैज्ञानिकों ने बच्चों और बुजुर्गों के लिए खास एहतियात बरतने की सलाह दी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 3-4 दिनों तक कहीं कहीं घने से बहुत घना कोहरा पड़ेगा। इसके लिए सड़कों पर विजिबिलिटी 50 मीटर रह जाएगी। ऐसे में बहुत जरूरी ना हो तो रात की यात्रा टाली जा सकती है। हालांकि आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि इस साल ठंड ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आने वाले समय में आपको बता दें सर्दी काफी तेजी से बढ़ने वाली है। शहरों की तुलना में गांव में सर्दी का सितम काफी तेज देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की कई मध्यम बारिश के साथ बर्फबारी की भी संभावना है। IMD ने यह आशंका जताई है। हरियाणा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में भी अगले 24 से 36 घंटे तक लगातार घना कोहरा और बादल छाए रहने के साथ ही कहीं तेज कहीं आपको बता दें मध्यम बारिश हो सकती है। चलिए जानते हैं कि मौसम विभाग ने किन किन जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें मौसम विभाग की लखनऊ की ओर से गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, मुरादाबाद, बुलंदशहर, बहराइच, सिरावस्ती, सीतापुर व आसपास के इलाकों में घने से बहुत घना कोहरा देखते हुए बारिश और आपको बता दें शीतलहर चलने को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। जबकि रामपुर, बदायूं, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया, अम्बेडकर नगर, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली व आसपास के इलाकों में हल्के से मध्यम कहीं तेज बारिश होने के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। नए साल की शुरुआत बारिश की गतिविधियों से होगी। दरअसल एक ताजा पश्चिमी क्षोभ अगले 24 घंटे के आसपास पश्चिमी हिमालय के पास पहुंचने वाला है। ये मौसम प्रणाली बहुत जरूरी बारिश लाने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ कई राज्यों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। अगले 24 से 36 घंटे तक तटीय तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर पश्चिम के आसपास के मध्य भारत में यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा में भी अगले 24 से 36 घंटे के दौरान हल्की कई मध्यम कई तेज बारिश होने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। मौसम से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल LHT इंडिया को सब्सक्राइब करें।